आज के एग्ज़ाम में दोस्तों बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको एग्ज़ाम रिव्यू देता रहता हूँ, लेकिन आज का एग्ज़ाम रिव्यू बहुत ही बैड है, बहुत ही बेकार है। लेकिन क्या बताऊँ, आपको तो देना पड़ेगा, आपको अवेयरनेस तो देनी पड़ेगी, ताकि आप लोग भी सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आ सकती है। देखिए क्या हुआ आज के एग्ज़ाम में, बड़ी प्रॉब्लम। प्रॉक्टर ने कहा कि यू आर अंडर UFM, तो फिर आप समझिए कि आपका UFM लगना के चांसेस 90-95% बढ़ जाते हैं। बल्कि क्या पता कि UFM लगा भी दिया प्रॉक्टर ने, तो क्या हुआ था, चलिए हम बताते हैं आपको एग्ज़ाम, आज का एग्ज़ाम रिव्यू। चलिए तो देखिए, आज हुआ कि कई सारे छात्रों का हमारे पास UFM का केस को लेकर कमेंट आया कि उनका एग्ज़ाम बहुत रिस्क में हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है, इन्होंने कहा हेलो ब्रो, आज भाई 25 को आज जो है 25 कंटिन्यूस वार्निंग आई, पता नहीं क्यों, और ये पता नहीं क्यों कह रहा, लेकिन इन्होंने गलत किया। देखिए मैं अभी आपको बताऊँगा आगे, और लिखा आया था कि यू आर अंडर UFM। अब ये अगर आ गया ना, यू आर अंडर UFM, ये बहुत ख़तरनाक वर्ड है। ये सिर्फ अंडर UFM अगर आ गया तो आप समझिए कि UFM कैटेगरी में जा सकते हैं, या फिर आपका हो सकता है UFM लग भी गया हो। लेकिन यार, अब अगर लग गया किसी सब्जेक्ट में तो आपको टेंशन नहीं लेना, आगे आप एग्ज़ाम अच्छे से दो। बाकी ये ज़रूरी भी नहीं कि लग जाए, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ामिनर आपको डराने के लिए कह रहा हो, ठीक है। लेकिन देखो इनका केस क्या हुआ था, पूरा मामला क्या हुआ था भाई। उसके बाद पेपर कंटिन्यू हो गया एंड मेरा सक्सेसफुल सबमिट भी कर दिया। आई एम लिटिल स्कर्ड ऑफ, कह रहे हैं कि टेल मी दैट आई एम अंडर UFM और नॉट। तो देखो यार, हमने आगे इनको क्या, हमने पूछा था कि क्या कर रहे थे आप, ऐसा क्यों हुआ। तो इन्होंने बताया कि जो है कि ब्रो कर तो कुछ नहीं रहा था, वो कह रहे थे कि विंडो स्क्रीन के बाहर मत जाओ, यानी उनके एग्जामिनर कहने का मतलब था कि ये दूसरा कोई ब्राउज़र ओपन कर रहे हैं, और बट मैं तो स्क्रीन के अंडर ही था, आई डोंट नो व्हाई दी हैपेंड। फिर कह रहे हैं कि लेकिन एक दो बार मेरी कोई आया था, मेरे कोई आया था कैमरे में बस। तो भाई बस नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अब जो हो गया उसके लिए कोई बात नहीं यार, अब आगे अच्छे से एग्ज़ाम दो, ठीक है। आई होप आपका UFM ना लगे तो अच्छा है, ठीक है। कह रहे हैं कि एक दो बार मेरे कोई नहीं था, लेकिन कैमरे में बस उस आया था कोई, एक दो बार मेरा कोई आया था, एक दो बार या कि 12 बार कह रहे हैं, पता नहीं क्या भाई। अगर 12 है तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, UFM लग ही गया है, अगर एक दो हो तो शायद ना भी लगे, ठीक है। बाकी देखो कैमरे में आया था और था 13 बार, बट उसके बाद दिखा 13 बार, बट 13 वार्निंग आई, आनी चाहिए 25 क्यों आई। तो यार देखो, कैमरे में अगर आपको ये आ गया तो आपका UFM लगने का केस बनता है, ठीक है। बहुत ख़तरनाक दो केस आपका बहुत डेंजरस होता है, एक तो कैमरे में कोई और फेस आ जाए, एक फेस के अलावा दो फेस आ जाए, और दूसरा होता है आपका कोई और एग्ज़ाम दे, यानी कोई आपके एग्ज़ाम की जगह दूसरे एग्ज़ाम कोई देता है, दोनों फेस में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। बाकी कुछ और आप करते हैं, अगर मोबाइल वगैरह आ जाता है तो फिर ये बहुत बड़ा केस बनता है, ठीक है। लेकिन मोबाइल के बारे में हो सकता है एग्ज़ामिनर आपको एक बार वार्निंग दे दे, क्योंकि आपका जो है लैपटॉप मोबाइल से ही कनेक्ट करते हैं, तो वो समझ सकता है, लेकिन कोई और आ जाए तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम। लेकिन इन्होंने आगे क्या कहा कि सर वो सिस्टर थी मेरी, आ गई थी, और बट देखिए जो मैं आपको स्क्रीनशॉट थोड़ा दिखा दूं, वैसे तो थोड़ा इधर आपको देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है इनका, आपको शायद दिखे ना यू आर, क्योंकि ये ब्लर्ड है, तो उसमें वही लिखा कि यू आर अंडर UFM और आपका 25 वार्निंग हो गई है, उसके बाद आप UFM के केस में आ जाते हैं। तो कह रहे हैं कि यू हैव क्रॉस 25 वार्निंग लिमिट लिखा था, और नीचे का लिखा था, कह रहे हैं कि डोंट नोविगेशन योर विंडो, ऐसा कुछ। UFM वाला हमने पूछा क्या लिखा था, यू आर अंडर UFM लिखा था, इसके बाद पेपर कंटिन्यू हो गया, बट बिना रुके 25 लगातार 25 वार्निंग आई, और उसके अलावा देखो अब इनका तो हो गया। लेकिन यार भाई, जो भी हो आप, अगर आप वीडियो देख रहे हो मेरी, या फिर आप लोगों में से किसी का ऐसा केस हुआ हो तो आप लोगों को परेशान नहीं हो, और पहले तो आप लोग कमेंट करके अपना ज़रूर बताना, और इंस्टाग्राम पे कोशिश करो, इंस्टाग्राम पे भी मुझे बता सकते हो कि आपका UFM का इस तरह का केस कोई आया है कि नहीं आया, ठीक है। बाकी वार्निंग वगैरह आ रही कि नहीं, आप लोग कमेंट करो। और भाई आपका जो हुआ, आप जो हो गया सो हो गया, बाकी मैं इस पर एक वीडियो कंप्लीट सर्च करके बनाऊंगा कि UFM लगने पर ईयर बैग लगती है या फिर क्या, कैसे क्या होता है, मैं इस पर डिटेल में आपको समझा दूंगा। बाकी मैं प्रार्थना ये करता हूँ कि UFM ना लगे, क्योंकि अंडर UFM कैमरे के सामने कोई आता है तो UFM का ही केस बनता है, बट एग्जामिनर अच्छा होगा तो नहीं लगाएगा, ठीक है। बाकी चलते हैं आगे, देखिए एक और स्टूडेंट, उन्होंने कहा कि सर आज तो एग्ज़ाम क्वेश्चन सेंट फाउंड्री से ही आ रहे थे, कह रहे हैं एग्जाम क्वेश्चन मार्क लगा, बट इनका मतलब था यही आ रहे थे, ठीक है। और मैंने सभी क्वेश्चन किए हैं, नेटवर्क एनालिसिस का पेपर था, और आप लोग बताइए कि हमने पूछा कैसे सर्च कर रहे थे, तो देखो इन्होंने क्या बताया आगे, आप लोगों का भी अगर किसी का नेटवर्क एनालिसिस का पेपर था तो आप लोग बताओ क्वेश्चन कहाँ से आ रहे थे और कितना क्वेश्चन आप लोग किए हो, ठीक है, ज़रूर कमेंट करना। और आप लोग हो सके तो इंस्टाग्राम पे भी कमेंट करना, या फिर वहाँ पे मुझे बता देना, ठीक है, या फिर कोई डाउट होगा तो इंस्टाग्राम पे बता देना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूं। और ये देखो क्या कह रहे हैं, बगल में दोस्त था बट मुझे तो दो। क्या आपको एजुकेशन में कोई डाउट है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है, कोई बोर्ड JEE नीट जो आपको समझ में नहीं आता, तो फिर उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप्स। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए बेस्ट और सुनहरा अवसर है फिलो ऐप के, जो 3 स्टेप में आपको प्रोवाइड करता है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जाना है, और फिर आपको
प्ले स्टोर में जाकर सर्च करिए और डाउनलोड करिए फिनो ऐप। उसके बाद उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना साइन अप करना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ से कंटिन्यू पे आपको प्रेस करना है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल में या फिर गैलरी से कोई आपको एक पिक्चर यानी कि फोटो लेना है क्वेश्चन का, या फिर आपको डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। वो भी आपको उसका आंसर 60 सेकंड के अंदर आपको एक्सपायर्ड आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो तो 10% डिस्काउंट पाने के लिए हमारा रेफरल कोड ITR001 यूज करिए और 10% डिस्काउंट पाइए ITR001। अर्निंग मिली मुझे, 2 अर्निंग मिली है। कोई दिक्कत होगा क्या रिजल्ट में? ब्राउज़र कट हो गया था गलती से, तो यार ब्राउज़र की वजह से आपकी जो है वार्निंग आई, तो आपको कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट कोशिश करो इस तरीके की गलती अगेन मत करो, क्योंकि मेन एग्ज़ाम हो रहा है तो इस छेड़खानी ना हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ब्राउज़र और उसके साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ा UFM केस बनता है। कई सारे छात्रों को देखो, और कई सारे छात्रों का जो है अगर लॉग आउट, जैसे यहाँ पे देखो इनका क्या हुआ था केस, कि उनका एग्ज़ाम जो है गलती से क्या हो गया था, सबमिट हो गया था, या फिर किसी वजह से वो लॉग आउट हो गए थे। तो उनको क्या करना है, जो नंबर मैंने दे दिया इसलिए ताकि आप लोग तुरंत इस पर कॉल कर लो। तुरंत नंबर 1 पे आपको इसी से कॉल करना है। अगर मोबाइल से एग्जाम दे रहे हो तो दूसरे मोबाइल से कॉल करो इसी से, इसी नंबर पे 01206647402 नोट कर लो, 01206747402102 AIQTU गाजियाबाद हेल्पलाइन नंबर है। यहाँ से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आपका लॉगिन हुआ है और 1.5 घंटे का समय अभी बचा हुआ है, यानी 1.5 घंटे का आपका पेपर होता है लॉग आउट के बाद, अगर 1.5 घंटे का समय में से कुछ बचा है 130 आवर्स में, तो आपका लॉगिन हो जाएगा। अगर इसके बाद लॉगिन करोगे तो नहीं होगा। यानी जैसे एग्ज़ाम अगर आपका 10 बजे से स्टार्ट था, तो 10 बजे के बाद अगर आप 11:30 के बीच में लॉगिन करोगे, 11:30 तक आपका लॉगिन हो जाएगा। 10 बार लॉगिन करो, 15 बार लॉगिन करो, लेकिन अगर 11:30, 11:31 पे करोगे तो हो सकता ना हो, ठीक है। तो आप कोशिश करो तुरंत लॉगिन करो, अगर लॉग आउट हो जाए इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अगर लॉग आउट हो जाता है, ठीक है। और अगर ना लॉगिन हो दोबारा तो AIQTU हेल्पलाइन पर कॉल कर लो, और उसके बाद जो है अपने कॉलेज में ज़रूर इन्फॉर्म कर। 2 काम कंपलसरी है, 1 तो हेल्पलाइन पर कॉल कर लो, और दूसरा जो है कॉलेज में इन्फॉर्म कर दो। 2 काम ज़रूर कर दो, ना फिर आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि आपको पता है कि आज जो है AIQTU ने जो है न्यूज़ भी आया है कि आपका एग्ज़ाम सितंबर में हो सकता है, जिनका छूट गया है, और उसमें तो केवल डिटेन छात्रों की बात कही गई, बट चांसेस यही है कि सभी का हो जाए जिनका भी छूट गया, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहो, अपनी प्रिपरेशन जारी रखो। आप मान के चलो कि आपका एग्ज़ाम सितंबर में होगा, कह रहे कि गुड आफ्टरनून सर, मेरा एग्ज़ाम छूट गया तो नेटवर्क इश्यू से सर, प्लीज़ हेल्प मी। तो यार भाई, आप रोशन क्या नाम है, रोशन यादव जी, आप यही करिए, आप तुरंत जो है AIQTU हेल्पलाइन पर कॉल करिए, और अगर टाइम बचा हो तो आप अभी लॉगिन करो, वैसे टाइम तो बचा नहीं होगा, ठीक है। तो हेल्पलाइन पर कॉल करो और कॉलेज में इन्फॉर्म कर दो। 2 काम करो, 1 तो हेल्पलाइन पर और 1 कॉलेज पर इन्फॉर्म कर दो। उसके बाद जो है मैंने आपको नंबर भी दे दिया, नंबर आप चाहो नोट कर लो, 01206740102। कई सारे छात्रों का इस तरीके का, और कई सारे छात्रों का यार करेक्शन को लेकर प्रॉब्लम है, तो आप लोगों की अगर कोई प्रॉब्लम तो बताओ, हम उस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है, क्योंकि कई सारे छात्र हमें छात्र पूछ रहे थे, कमेंट कर रहे थे, और कई सारे इशू है, तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, फिर वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ आप लोग जो तैयारी करो, बाकी जो है आप लोग जो है प्रिपरेशन पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। पहले से एग्ज़ाम देखो इनका लॉग आउट हुआ था, तो भूपेंद्र भास्कर जी आप तुरंत लॉगिन करिए, अगर नहीं होता 4 घंटा हो गया, आप लॉगिन नहीं होगा, हेल्पलाइन पे कॉल कर लो, कॉलेज को इन्फॉर्म करो। इस तरीके से कई सारे छात्रों की दिक्कत आई, तो यार वीडियो लंबी करने से कोई फ़ायदा नहीं, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों का भी जो भी हुआ, जैसा भी एग्ज़ाम, आप लोग ज़रूर कमेंट करो और इंस्टाग्राम पर मुझे बता सकते हो। तो आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच, प्रिपरेशन जारी रखिए। और हाँ यार, मैं एक बात आपसे भूल गया कहना, मेरा दूसरा चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ उसको भी सभी लोग ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं उस पर भी वीडियोस अब कुछ डालूंगा, और बाकी अगर ये चैनल बंद हो जाता है, स्ट्राइक पड़ी है, तो उसी पे आपको वीडियो मिलेगी ज़रूर। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सब्सक्राइब